देख रहे हैं एसके न्यूज। एसके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अनामिका, दिन भर के बड़ी खबरों के साथ। वैशाली, जंदाहा, कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए वीर जवानों का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों तथा लॉन्चिंग पैड पर युद्धक बम से किए गए हमले पर खुशी जाहिर करते हुए महाकाल दल एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जंदाहा में फ्लैग मार्च निकाला और गांधी चौक पर 1000 दीप जलाया गया और सभी देश प्रेमियों के हाथों में झंडा था और सभी भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसमें मौजूद रवि कुमार, मोनू, प्रभात पांडे, सनी झा, दीपक कुशवाहा, बिट्टू चौधरी, विजय सिंह कुशवाहा, दीपक सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी जाहिर कर रहे थे। जंदाहा से उज्जवल सिंह की रिपोर्ट। समझ जाना चाहिए कि भारत अब उसको छोड़ने वाला है नहीं, बस 40 का बदला 400, कभी ऐसा ना हो कि भारत मतलब पाकिस्तान नक्शे से ही मिटा दिया जाए और फिर मूवी बनेगा एक था पाकिस्तान भारत पाकिस्तान को अल्टीमेटम ये समझ जाना चाहिए, अगर फिर से भारत की तरफ आँख उठा के देखने का हिमाकत किया है तो अभी 40 का बदला 400, एक ऐसा समय ना आ जाए पाकिस्तान अपने रवैये से बाज ना आया तो पूरा पाकिस्तान इतिहास या भूगोल से मिटा देगा भारत, पाकिस्तान को समझना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो पुलवामा में हमला हुआ था तो भारतीय सैनिक को जो आतंकवादियों के द्वारा जो मारा गया था उसका बदला भारत की सेना लिया और 40 का बदला 400 को वहाँ मार गया है, इसके लिए हम सरकार और सेना को अभिनंदन करते हैं, बजरंग दल कार्यकर्ता और बजरंग दल की पूरी टीम की तरफ से। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।